प्रेस द लॉर्ड। वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम अगर मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं आएगी। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। प्रेस द लॉर्ड। तो कोई पास्टर कहते होंगे यीशु मसीह के पीछे आओ तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई इवेंजलिस्ट कहते होंगे, कोई टीचर लोग कहते होंगे, प्रेस द लॉर्ड, लेकिन बाइबल ऐसी नहीं कहती। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिब्युलेशन, बट चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। यीशु मसीह ने कहा, इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन खुश हो जाओ, मैंने इस दुनिया पर जय पाया। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग दुख, मुसीबत, रोग और पीड़ा के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे बार दुख, मुसीबत, पीड़ा और रोग हमारे जीवन में आता है शैतान के जरिए। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे बार वो पीड़ा, रोग, दुख और कष्ट हमको परमेश्वर ही देता है। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम मुसीबत में आते हैं, हमको रोग आता है, पीड़ा आती है, संकट आता है, दुख आता है, तो हमको ये नहीं समझना है, पहली बात हमको ये समझना है कि ये कहां से आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब पीड़ा आती है, मुसीबत आता है, रोग आता है, संकट आता है, हमको जानना है कि ये जो तकलीफ मेरे जीवन में आई है क्या परमेश्वर की ओर से आई है या शैतान की ओर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम देखते हैं वचन से जो परमेश्वर की ओर से पीड़ा आती है वो क्यों आती है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो क्यों आती है। परमेश्वर की ओर से हमको जो रोग आता है या तकलीफ आती है या पीड़ा आता है या मुसीबत आती है वो क्यों आती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब इसमें से जाते हैं, हम सब इसमें से गुजरते हैं, हालेलुया। आमेन, गुजरते कि नहीं। कितने जगह मुसीबत आती है, कभी ना कभी तो आती है ना, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनके बाइबल में एक आदमी था जो एकदम धर्मी था, सब सही करता था, हालेलुया, गलत करने से दूर रहता था, और उसके भी जीवन में तकलीफ आई। तब आयुब ने कहा था, देखते आयुब का पांचवा अध्याय 17 वचन, आयुब का पांचवा अध्याय जो बुकम जो चैप्टर 5:17 हम लोग देखते हैं, उसका 17 वचन क्या कहता है। अय्यूब 5:17, सत्रहवा वचन, देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य, देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुझ मत जान। आमेन, हालेलुया। बोलते अय्यूब की आंख में सब फोड़ा हो गया, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। आमेन, और वो सब आग बुझा रहा था, शरीर पे गोबर डाला, उस जमाने में गोबर जो है पाउडर के जैसा काम करता था। आमेन, जो थोड़ी बड़ी अच्छा होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, गोबर डाला और आग को बुझाता रहा, लेकिन उसने परमेश्वर को क्या कहा, बोलते फिर से पड़ेगी, मैं ध्यान से सुनो, देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आगे, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को, तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, तुच्छ मत जान। प्रेज द लॉर्ड, सर्वशक्तिमान की ताड़ना को क्या मत कर, तुच्छ मत जान। आमेन, कभी भी परमेश्वर आपको कुछ तकलीफ देगा, देगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड। जब भी हम गलत करते हैं, जब भी हम गलत कदम उठाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हम संडे नहीं आते, हम दशमास नहीं डालते, हमको ताड़ना देता है। हालेलुया। बाकी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो संडे नहीं आते तो उनको कुछ नहीं होता, वो दशमास नहीं डालते तो उनको कुछ नहीं होता। आमेन, लेकिन हम चुने गए उसके अनंत काल के जीवन में भागीदार होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंसान किसको मारते हैं, अपने बच्चे को मारते हैं। हालेलुया, आप अपने बच्चे को क्यों मारते हैं, क्योंकि आप उसे प्यार करते हैं। हालेलुया, अपने बच्चे से गुस्सा करता है इसके लिए मारते हैं नहीं, अपना बच्चा एक अच्छा आदमी बने, अच्छी स्त्री बने, अच्छा एक पुरुष बने, इसके लिए अपने बच्चे को मारते हैं। आमेन, तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर अगर आपको ताड़ना देता है तो आप अपने आप को खुश नसीब समझो। हालेलुया, हालेलुया,
कुछ सही करने के बावजूद भी अगर तकलीफ उठा रहे, परेशानी उठा रहे, बीमारी में है, समस्या में है, तो आप अपने आप को क्या समझो? आशीर्वादित समझो, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, और जल्दी से सीखो। हालेलुया, जो सिखाना चाह रहे हैं उसको जल्दी से सीखो और उस परेशानी से मुक्त हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए करते हैं इस वचन, हम लोग देखते हैं 10वां वचन। आयुब का 23वां अध्याय उसका 10वां वचन में पढ़ेगी। 23:10 जो चैप्टर 23 वर्स है। आयुब 23वां अध्याय 10वां वचन। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। आयुब कहता है परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ। हालेलुया। जब वो मेरी परीक्षा कर चुकेगा, आमीन। परमेश्वर रोज मध्य तक परीक्षा करेगा क्या? कब तक करेगा? एक टाइम है। हालेलुया। बोलो, एक लिमिट है। जोर से बोलो, एक लिमिट है। कब तक परीक्षा करेगा परमेश्वर? कुछ समय तक परीक्षा करेगा। लेकिन आयुब के अंदर एक कॉन्फिडेंस था, आपके अंदर और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है, लेकिन जब उसकी परीक्षा खत्म हो जाएगी, मैं सोने के जैसा खड़ा निकलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे कमजोरी दी है, परमेश्वर ने मुझे ये बीमारी दी है, परमेश्वर ने मुझे तकलीफ दिया है, ये परेशानी, ये संकट। हालेलुया। लेकिन जब उसकी परीक्षा खत्म हो जाएगी, मैं सोने के जैसा खरा निकलूंगा। सोना क्यों खरा है? क्योंकि सोना आग में प्यूरिफाई करके उसको जो प्योर जो बचता है वही सोना है। हालेलुया। आमीन। सोने से उसको जला जला के जो गंदगी उसमें जो मिलावट है उसको सबको जला जला के निकाल दें, और जो बचता है वही प्योर सोना होता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ गॉड। तो आयुब के अंदर एक कॉन्फिडेंस था, जिस दिन परमेश्वर की परीक्षा खत्म हो जाएगी, मैं जयवंत बनकर बाहर निकलूंगा। तो मेरे भाइयों बहनों, हमारी नजर होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी कुछ समय के लिए परीक्षा कर रहा है, लेकिन मैं जो क्या हो जाऊंगा, मैं हर मुसीबत, हर परेशानी, हर संकट के बावजूद भी मैं जयवंत होकर मैं बाहर निकलूंगा। हम लोग को हिम्मत नहीं हारना है। Amen. जो गीत कहता है, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु मसीह। हालेलुया। 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 सुख आने दो या दुख आने दो, मैं बदलूंगा नहीं। मैं मेरा विश्वास जो यीशु मसीह के ऊपर है उसे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जानी है कि परमेश्वर कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ हमारे ऊपर बिना कारण आने नहीं देगा। हालेलुया। और वो भी अगर जब वो अलाउ करेगा, वो उसको निकाल भी सकता है, और अपने समय पर वो हमें छुटकर आने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा विश्वास उसके ऊपर हमको हमेशा बना के रखना है। भजन संहिता 119:66 हम लोग देखते हैं। भजन संहिता 119 Psalms chapter 119 verse 67 119 verse 67 number 15 Bhajan Sahita 119 adhyay 67va vachan usse pehle ki main dukhit hua usse pehle ki main dukhit hua main bhatakta tha main bhatakta tha hallelujah ye bhajan sahita 119 kisne likha hai लिखा कोई क्लब में होगा लेकिन गाया दाऊद राजा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद राजा के बड़ा राजा था, उसके भवन में बहुत सारे क्लब लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन ये गीत किसने गाया? जैसा भजन संहिता में जितने भी चैप्टर से जितने भी गाने हैं वो सब दाऊद राजा ने नहीं गाए। जैसा कि उदाहरण के लिए साम्स 91 के मोसेस का गाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका है? मूसा का। और कुछ डेविड का है, कुछ सुलेमान का है,
कुछ आसाफ का है और कुछ ऐसे बहुत सारे लोगों का गाना मिला के ये भजन संहिता का किताब बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये भजन संहिता 119 किसने गाया? दाऊद राजा ने गाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने नहीं गाया। अभी बोलते हैं दाऊद राजा क्या कहते हैं 67 में 76 में उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था। हालेलुया। मैं क्या बोला? भटकता था। बोल भटकता था। दाऊद राजा को परमेश्वर ने पकड़ी चलाता था। परमेश्वर ने उसको आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। हर युद्ध जीतते गए। आमेन। तब उसको क्या नहीं था? दुख नहीं था। क्या नहीं था? जोर से बोलो, दुख नहीं था। किसके जीवन में? दाऊद राजा के जीवन में क्या नहीं था? दुख नहीं था। तो दाऊद राजा को कौन दिखी? बादशाह दिखी। आमेन। परमेश्वर जीतने की जगह पे कौन दिखी? बादशाह दिखी। हालेलुया। आप लोग जानते होंगे, कितने जानते हैं बादशाह को? नहीं, वो लड़की जिसके साथ उसने गलत व्यवहार किया, कितने नाम जान गया? प्रेज द लॉर्ड। आमेन। थैंक यू। आप लोग जानते हैं इसके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वही दाऊद राजा उस गलती के बारे में कह रहा है, जब मैं दुखी नहीं था तो मैं क्या था? भटक रहा था। क्या कर रहा था? भटक रहा था। गलत काम मेरे हाथ से हुए, मैंने उसके पति का मर्डर कर दिया। हालेलुया। आमेन। बादशाह का पति का क्या कर दिया? मर्डर ही कर दिया। हालेलुया। तो उसने मर्डर भी किया, एडल्ट्री भी किया। आमेन। आगे परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। अब तेरे वचन को मानता हूँ। जब परमेश्वर ने दाऊद राजा को क्या दिया? इंजेक्शन दिया। क्या दिया? बोलो, इंजेक्शन। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्य दशा के जरिए एक इंजेक्शन, स्पेशल इंजेक्शन उसके लिए भेजा। हालेलुया। और उसके जरिए वो परमेश्वर ने दाऊद राजा को कुछ बातें बोली। आमेन। हालेलुया। और उससे दाऊद राजा दुखी हो गया और दाऊद राजा प्रॉब्लम में आ गया, समस्या में आ गया। और जब समस्या में आ गया, दाऊद राजा ने पश्चाताप किया। हालेलुया। दाऊद राजा ने क्या किया? पश्चाताप किया। हालेलुया। आमेन। क्योंकि परमेश्वर दाऊद राजा को नरक में नहीं भेजना चाहता। हालेलुया। अगर परमेश्वर की यही इच्छा थी कि दाऊद राजा ने गलत काम किया उसको नरक में भेजना है, परमेश्वर उसको तकलीफ देता नहीं, वो नादान को भेजता ही नहीं था, उसको कुछ नहीं बोलता था। बोलो, ऑलवेज वेल। चलते रहे, भेजता जो कर रहे वो करते रहे। आमेन। अच्छा काम मर जाता था, उसको सीधा नरक में डाल देता। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि दाऊद राजा पश्चाताप करे। हालेलुया। गलती करते हो, गलत काम करते हो, आप जान जाते हो वचन के जरिए गलत काम करना, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं दंड दे रहा है तो टेंशन। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर आपको तुरंत दंड देगा तो समझना बहुत प्यार कर रहे हैं। हालेलुया। चाहता है कि मैं बच जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने बार ऐसा होता है हमारे अंदर जो कमजोरियां है ना, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमजोरियां, मेरी पत्नी के अंदर भी बहुत सारी कमजोरियां, लेकिन कभी कभी मैं अपनी कमजोरी को याद करता हूँ और कहता हूँ, अगर ये सारी कमजोरी, ये सारी परेशानियां, ये सारी तकलीफें अगर यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में नहीं लाई होती तो मैं शायद इतना घमंडी होता। हालेलुया। आज लोग मुझे नम्र कहते हैं। हालेलुया। सबसे मैं अच्छे से बात करता हूँ, क्यों? परमेश्वर ने मुझे इतना तकलीफ दिया जिंदगी में। आमेन। मतलब इतना रगड़ा पिसा। आमेन। इतना ये किया कि मैं नम्र बनना ही पड़ा मुझे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं अगर नम्र हूँ तो मुझे परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। आमेन। तो आज वो जो कमजोरियां जो बचपन में मेरी जिंदगी में थी, मैं उनको हमेशा उस कमजोरी को गाली देता था और कहता था कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये तकलीफ, वो तकलीफ, काम, गर्लफ्रेंड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज उस सारी बातों की वजह से मेरे अंदर ऐसा परमेश्वर ने हृदय बनाया कि मैं हर आदमी को समझ सकूं, हर एक की बात को समझ सकूं, हर एक से मैं कनेक्ट कर सकूं अपने आप को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों बहनों, दाऊद राजा वही कहता है, फिर से पढ़ेंगे,
उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटका था परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। मैंने एक पास्टर की गवाही सुनी थी, उनका नाम मुझे बराबर नहीं याद है, लेकिन शायद सुरेश मेनन है या सुभाष मेनन है। तो उन्होंने खुद बताया था कि उसके माता पिता मिशनरी थे महाराष्ट्र में, केरला से महाराष्ट्र में आए, परमेश्वर की सेवकाई करते थे। लेकिन ये जो लड़का था, ये जो नैनन, जब बड़ा हो गया तो इसको बुरी आदत लग गई। हालेलुया, बुरी आदत लग गई, दारू, लड़की, बाहर जाने का, ये सब उसको आदत लग गया। अपने पिताजी पास्टर थे उसके, उसको धमकी देता था, नहीं पैसा देगा तो खत्म कर डाल। फिर उसका पिताजी डर के उसको पैसा दे, या तो चोरी करता था। आमीन, ऐसा सब गलत काम वो कर रहा था, कुछ भी करने से नहीं होता था। लेकिन उसकी माँ बहुत रोती थी, उसका पिताजी भी बहुत रोता था, प्रभु हम सब छोड़ के तेरी सेवकाई के लिए आए और आज हमारा बेटा खराब हो गया। हालेलुया, लेकिन वो हिम्मत में आते थे, वो सेवकाई करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग कुछ भी बोले, हम नहीं सुनेंगे, हम सेवकाई करेंगे। लास्ट में वो लोग प्रार्थना करते गए और उसके पिताजी की कलीसिया पूरा खाली हो गई। लोग आते थे, बोलते थे, तेरा बेटा पी रहा है तो हमको क्या सुधारेगा, है ना। तो वो उस बेटे की वजह से पूरी कलीसिया उसके बाप की खाली। आमीन, लेकिन फिर भी उसका पिताजी हिम्मत नहीं हारा, वो खड़ा रहा, प्रार्थना करता रहा। तो एक दिन उस भाई मैनर को, मैनर उसका सर थे, सुभाष या सुरेश मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो उसके उसको बुखार आ गया, और ऐसा बुखार आ गया कि वो उसकी माँ डॉक्टर थी, इतना बुखार आ गया उसकी माँ भी उसको कुछ नहीं कर सकी, हॉस्पिटल में डाला। तो सब लोग ने कहा, डॉक्टर ने बोला ये मर जाएगा। सब लोग अब उसे ये मर जाएगा, ये अभी नहीं बचेगा। आमीन, तब इस भाई को इतना परेशान हो गया, तब उसने अपने बिस्तर से परमेश्वर को याद किया। हालेलुया, उस लड़के ने अपने बिस्तर से परमेश्वर को याद किया, बोला कि परमेश्वर अगर तू मुझे बचाएगा मुझे तो मैं तेरे लिए जी। हालेलुया, अगर तू बचाएगा तो मैं। और एक दो घंटा तक वो रोया। आमीन, और मेरे भाइयों बहनों, दूसरा दिन से सेम दवाई उसके ऊपर काम करने लगी और उसका बुखार निकल गया। आज वो पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया, हर जगह जिधर उसको बुलाते जाके परमेश्वर का वचन प्रचार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक लोग बोलता है, अगर परमेश्वर ने वो बुखार मेरे अंदर नहीं भेजा होता, मैं दारू और लड़की के पीछे भागता होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो वही दाऊद राजा कहता है, फिर से पढ़ेंगे, देखो ध्यान से सुनो। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था परंतु अब तेरे वचन को मानता हूँ। बोलो दुख अच्छा है, जो भी परमेश्वर करेगा, सब अच्छा है। हालेलुया, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसका जय जयकार करो। आमीन, परमेश्वर हमारे साथ जो भी करे हमारे अच्छे के लिए, हमारे बुरे के लिए वो एक काम भी नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड, जो भी करेगा हमारे अच्छे के लिए। हालेलुया, इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, हमको जानना है कि हमारा परमेश्वर जब हमको कुछ हमारे अंदर बदलाव चाहता है, कभी कभी हम ऐसी गलतियां नहीं करते लेकिन बात रफ करते हैं, किसी के साथ बात करने का टाइम रफली बात करते, लेकिन परमेश्वर बोलता है तो मेरा सेवक है, तुझे तो सुधारना पड़ेगा। हालेलुया, तेरे रेफरेंस को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हालेलुया, तो अगर आपसे प्यार करता है तो तुम्हारे रेफरेंस को निकालेगा। हालेलुया, तुम्हारे अंदर प्यार कर देगा। हालेलुया, तुम बात करने का टाइम मधु रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हरेक की फीलिंग को तुमको समझना चाहिए, हरेक की बातों को तुमको समझना चाहिए। ऐसे इंसान अगर हमको बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी बड्डियों से हमको जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और आगे का वचन हम लोग देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4:17, सेकंड कुरिन्थियों चैप्टर 4:17, दूसरा कुरिन्थियों 14:17। दूसरा कुरिन्थियों 4:17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हालेलुया। बोलते हैं जो क्लेश, जो दुख, जो तकलीफ हमको यीशु मसीह देने वाला है वो पल भर का है। हालेलुया। अगर वो हमें नहीं देंगे तो हमें अनंत काल के लिए दुख, तकलीफ, क्लेश उठाना पड़ेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोगों? बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो दुख, जो क्लेश, जो तकलीफ इस दुनिया में जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो भी हमारे ऊपर आती है, वो सब पल भर का है। बोलो पल भर का। हालेलुया। ये सब किसका है? पल भर का। समझे कि जैसा सब निकल जाए, टेंशन मत करो। हालेलुया। फिर से पढ़े, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने चाहते हैं कि आपको अनंत महिमा मिले? आमेन। हालेलुया। तो आज से बस यीशु के पीछे चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों का 12वां अध्याय और 11वां वचन में हम लोग देखते हैं। इब्रानियों की 12वां अध्याय और 11वां वचन, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 11, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 11 हम लोग देखते हैं। इब्रानियों का 12वां अध्याय, टाइटस फिलेमोनी हिब्रू जेम्स, इब्रानियों का 12वां अध्याय 11वां वचन, डिसिप्लिन एट प्रेजेंट टाइम्स। तो वहां पर उस वचन में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर हमको जब ताड़ना देता है, जब हमको करेक्शन करता है, आमेन, तो तभी हमको थोड़े टाइम के लिए बुरा लगेगा। मेरे बेटे को मैं बोलता हूँ पढ़ाई कर, तो उसको क्या लगता है? ऐसा देखता हालेलुया कि मैं इसमें खा जाऊंगा। हालेलुया। पढ़ाई कर बोले तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ टेढ़ा हो जाता है, पेट टेढ़ा हो जाता है, सब टेढ़ा हो जाता है। हालेलुया। लेकिन अभी उसको बुरा लग रहा है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा या स्कूल में A+ आएगा, प्रेज द लॉर्ड, तो क्या होगा? उस दिन कॉलर टाइट रहेगा, खुश होगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचेगा मेरे डैडी ने मारा है इसके लिए महीने महीने। हालेलुया। आप कैसे करते कभी कभी सक्सेस हो जाएगा? बहुत मेहनत किया मैंने, और परमेश्वर ने क्या ऐसा है, मेहनत करवाया मैंने तुमसे। हालेलुया। तुमने नहीं किया, मैंने करवा लीजिए लगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं सोचता हूँ मैं बहुत तेरे वचन पे चला था, परमेश्वर बहुत परमेश्वर के पीछे जाए, परमेश्वर बोलता है मजबूरी थी तेरी, करना ही पड़ा तुझे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रभु, दूसरा रास्ता ही मिलता। आमेन। वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना, वर्तमान मतलब कभी है? अभी ऐसा नहीं बात देगा। वर्तमान मतलब अभी, भूतकाल मतलब पीछे, भूतकाल पीछे रहते। हालेलुया। वर्तमान अभी, प्रेज द लॉर्ड, वर्तमान काल। तो वर्तमान में फिर से पड़ेगी, वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना, वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, मजा नहीं आता। बोलता है जब ताड़ना देता है परमेश्वर हमको, क्या नहीं आता है? आनंद नहीं आता है, बहुत तो तकलीफ होता है, प्रॉब्लम लगता है, टॉर्चर लगता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई बीमारी अचानक लग गया, पैसा नहीं रहेगा तो अच्छा लगता है, शेट बुरा रहेगा तो अच्छा लगता है, मैनेजर आपका बुरा रहेगा तो अच्छा लगता है। अच्छा सुबह पूछेगा क्या कर रहा है, ऐसा भी होगा। हालेलुया।
हालेलुया। तो ये मुझे वर्तमान में कोई भी ताड़ना अच्छी नहीं लगती है। हालेलुया। आज आपके साथ हो रहा है, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये अच्छा है। हालेलुया। मैं तुझे हीरा बनाना चाहता हूँ, मेरे हाथ के अंगूठी का हीरा तुझे बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। 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 मेरा एक अति उत्तम दास मैं तुझे बनाना चाहता हूँ। आमेन। तुम मैं तुझे अपना चेला बनाना चाहता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आगे। परसों ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उनको सहते सहते पक्के हो जाते हैं, बाद में उन्हीं में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। तो बोलते हैं बाद में जब प्रतिफल वो देखते हैं तो वो एकदम खुश हो जाते हैं। हालेलुया। बाद में जब प्रतिफल देखते हैं वो खुश हो जाते हैं। एक इंस्पेक्टर जनरल का आईजी जो एकदम हाईएस्ट पोस्ट होता है पुलिस में, या आईपीएस, तो उस इंस्पेक्टर को एक बार डीएम इंटरव्यू में पूछा गया कि इंस्पेक्टर जो आईपीएस ऑफिसर थे, तो उसने कहा मैं जब छोटा था बस हमको सुबह 5 बजे उठाते थे, उठा के खड़ा कर देते, फिर अगर बैठ गया तो हमारी खुदाई कर देते। आमेन। तो बोलते हैं मुझे बचपन में इतना स्ट्रिक्ट रखा हर बातों में, इसलिए जब मैं बड़ा हो गया, मेरा गांव में बहुत गरीब था लेकिन मेरा माता पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट था, सिस्टमेटिक था, इसीलिए जब मैं बड़ा हो गया मैं आज आईपीएस ऑफिसर बन गया। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या बन गया? आईपीएस ऑफिसर। इसकी वजह से बता पा रहा कि मेरा मम्मी मेरा डैडी इतना स्ट्रिक्ट थे, मुझे सख्त कानून में उन्होंने चलाया और वही सिस्टम मेरे अंदर आया। आज मैं इतना बड़ा ऑफिसर बन गया, फिर भी मैं टाइम पे उठता हूँ। हालेलुया। कोई मुझे उठाने वाला नहीं, लेकिन मैं टाइम पे उठता हूँ, मेरा काम टाइम पे करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और आज वो खुश है। टीवी में लोग इसके इंटरव्यू ले रहे हैं, बोले आपको इतना परफेक्ट कैसे, इतना सिस्टमेटिक कैसे। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने जन ऐसे बनना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा का कारण? हालेलुया। सब लोग बनना चाहते हैं। आमेन। तो तैयार रहो। प्रेज द लॉर्ड। किसके लिए तैयार रहो? जो भी बातें आने वाली आप नहीं भी तैयार रहेगा तो होने वाला ही। परमेश्वर जिसको जो जिनसे वो प्यार करता है उनको उनके अंदर बदलाव लाता है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय लास्ट वचन हम लोग देखते हैं। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7:14 हम लोग देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7:14 मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस महा क्लेश में से निकल कर आए हैं। यीशु मसीह ने कुछ लोगों को हाथ दिखा के बताया ये वे हैं। बोलो ये वे हैं। जो किसमें से आए? जो उस महा क्लेश में से निकल कर आए हैं। जो उस महा क्लेश में से निकल के आए। हालेलुया। इसमें से निकल के आए, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर संकट से, हर विपत्ति से निकल के यीशु मसीह के पीछे चल रहे। आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप यीशु मसीह के पीछे कई सालों से चल रहे, लेकिन जो भी मुसीबतें आ रही, परेशानियां आ रही, तकलीफ आ रही, उसको सबको डांट करके आप दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं, परफेक्ट होते जा रहे हैं और उसके पीछे चल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आप पर नाश करेगा जिस दिन न्याय का दिन आएगा। वो बोलेगा ये लोग जो है महाक्लेश से होकर के आए। आगे आगे आप देखते इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए शुद्ध किए। आगे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जो बोलने का मतलब है हमको यीशु के पीछे चलते रहना है, चाहे कोई भी तकलीफ कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर आती है, हमको क्या करना है?
यीशु मसीह के साथ चलना है, यीशु मसीह के साथ चलते रहना है और ये सोचना है परमेश्वर मेरे अंदर कुछ बदलाव लाना चाहता है, कुछ चेंजेस लाना चाहता है। आमीन। ऐसा नहीं कि नहीं तकलीफ आया यीशु मसीह को छोड़ दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा इस जगत में तुम्हें क्लेश रहेगा, लेकिन धाड़स बांधो, मैंने इस पर जय पाया, मैंने इस पर जय पाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इब्रानियों का 12वां अध्याय 11वां वचन फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़िए। वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर सुख की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उनको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, आपका और वो मेरा विश्वास है, जैसा हम लोग बोलते हैं, जैसे सोने को आग पे डाल के तराशा जाता है, वैसा भी हमें भी ऐसी हालातों में, परीक्षाओं में, परेशानियों में डाल के हमको तराशा जाता है। क्या किया जाता है? तराशा जाता है, हमको परफेक्ट बनाते हैं परमेश्वर। अगर हमारे अंदर ज्यादा गुस्सा है तो हमारा गुस्सा कैसा निकालने का, गुस्से वाले आम लोगों के साथ हमको डालेंगे परमेश्वर, फिर उसमें से तराशेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट में परमेश्वर क्यों ये चाहता है कि हमारा विश्वास उस सोने से भी बढ़कर हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहता है परमेश्वर? हमारा विश्वास किससे भी बढ़कर हो? सोने से भी बढ़कर हो। मेरे भाइयों बहनों, एक बार आपको बताता हूँ, सोने को हम आग में डालेंगे तो जल जाएंगे, सोने को अगर हम आग में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। आग में डाल के अगर फटाक से निकालेंगे तो बच जाएगा, आप आग में डाल के ही रखोगे सोना क्या होता है? अगर आपका सोना मुर्गी खा गई तो नहीं मिलता है, पिघल जाते हो, खत्म हो गए, फिर उसका उसको फिल्टर करना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। तो सोना आग में डालेंगे जल जाएगा, खाक बन जाएगा या उड़ जाएगा, ज्यादा उसको हिसाब से ज्यादा उसका जलाएगा, लेकिन हमारा विश्वास कभी जल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर सोने से भी बढ़कर हमारे विश्वास को बनाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे विश्वास को किसे भी बढ़कर बनाना चाहते हैं? सोने से भी बढ़कर के हमारे विश्वास को बनाना चाहता है। हालेलुया, ताकि वो कभी जले नहीं और कभी नष्ट ना हो। प्रेज द लॉर्ड। वैसा ही कोई वचन में लिखा है, लेकिन मुझे वो वचन नहीं मिल रहा है अभी। आमीन। लेकिन उस वचन में लिखा है सोने से भी बढ़कर परमेश्वर हमारे विश्वास को बनाना चाहता है और देखना चाहता है कि ऐसा विश्वास हमारे अंदर हो। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त अपनी आंखें बंद करेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर, थैंक यू जीसस, और बोलेंगे पिता धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, धन्यवाद तेरी महान उपस्थिति के लिए प्रभु। प्रभु आज तेरा वचन हमने सुना प्रभु, जो कहता है प्रभु जब दुख आता है और तकलीफ आती है तो हम परमेश्वर के करीब आते हैं। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी ऐसे हालात हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु उनके जरिए मैं आपके करीब आ रहा हूं। प्रभु जैसे आयु ने कहा प्रभु, धन्य है मनुष्य जिसको परमेश्वर डांटना देता है। प्रभु हम आसमान हर बात के लिए, हर बातों में मुझे धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बच्चा ठीक है, इन एवरीथिंग यू थैंक्स टू द लॉर्ड। हर बातों में परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु अगर हमने अनजाने में आपको कुछ बोला होगा, उन समस्याओं के लिए, उन तकलीफ के लिए जो जो शिक्षा आपकी ओर से आई है प्रभु, उसके बारे में अगर हमने आपको कुछ गलत बोला है, हमारे अंदर सुधार लाने के लिए आपने कुछ किया,
और हमने अगर अपना बुरा भला कहा है, आज हम क्षमा चाहते हैं यीशु मसीह से, क्षमा चाहते हैं उससे, मांगो प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा कर दो, जो भी गलतियां मुझसे हो गई मुझे क्षमा करो प्रभु, हमें माफी चाहता हूं प्रभु, अगर कोई ऐसी बात मैंने बोली प्रभु। दाऊद राजा ने गलती की और आपने उसके जीवन में बहुत सारे दुख मुसीबत लाए, लेकिन दाऊद राजा ने आपको छोड़ा नहीं, उसने पश्चाताप किया, उसने सच्चा पश्चाताप किया और वो आज तेरे राज्य में आके बैठा है प्रभु। सब सच भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की और आपने उसकी आंखों को फोड़ दिया, लेकिन सैमसन कठोर नहीं बना, सैमसन ने अपने पापों का पश्चाताप किया और आज वो भी तेरे दरबार में बैठा है प्रभु। राहब ने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उसने राहब को जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने तुझे पहचाना कि तू सच्चा परमेश्वर, तूने उसके पापों को क्षमा किया और वो आज तेरे दरबार में, आज वो तेरी बेटी कहलाती है, दाऊद तेरा बेटा कहलाता है, सांसद तेरा प्रिया कहलाता है प्रभु। प्रभु ये सारे लोगों ने गुनाह किए, लेकिन जब तुझे तकलीफ दिया उन्होंने वो कठोर नहीं बने, उन्होंने तुझे कुछ बुरा भला नहीं कहा, लेकिन अपने पापों का पश्चाताप किया। आज मेरे अंदर भी ऐसे मन को उत्पन्न कर कि मैं भी अपने पापों का पश्चाताप कर, मैं भी तुझे हर बातों में धन्यवाद दूं। यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूं।